लेकिन अज जिहड़ी मौत हुंदी है भावें कोई कैंसर ना हो जाए भावें कोई हार्ट अटैक ना हो जाए भावें कोई शुगर ना हो जाए भावें ब्लड प्रैशर ना हो जाए किसी भी कारण जो कोई मौत हुंदी है तो हर मौत नूं करोना का रूप दिता जाता कि दूजे परिवार विचों ना फैले ये बिल्कुल सही है लेकिन इन्ना जो पैनिक कर दिंदी है सरकार तो मैनूं इदां लगदा कि पैनिक होके ही बीमारी वध जांदी है। कोरोना के मामले लगातार तेजी नाल वध रहे ने जिसनूं लै के सरकार अते प्रशासन वल्लों आए दिन सख्त कदम चुके जा रहे ने उधर दूजे पासे सरकार दी सख्ती ते कई तरह दे बयान भी सामने आ रहे ने कोरोना दे वध रहे मामलियां नूं देखदे अते लॉकडाउन नूं लै के बीबी जगीर कौर दा बयान भी सामने आया उन्होंने कहा है कि मैं इस गल नाल सहमत हां कि कोरोना दी बीमारी खतरनाक है पर सरकार दा सचेत करना अते साडा सचेत रहना फर्ज है सानूं भी एहतियात विच रहना चाहीदा है पर सरकार जिन्ना सानूं इस बीमारी बारे डरा रही है कुछ लोग तां उस डर नाल ही बीमार हो रहे ने इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि जदों सरकार ने सारियां पाबंदियां हटा दित्तियां सी तां कि करोना उस समय खत्म हो गया सी मौतां दा उदों भी होईयां सन पर अज जदों कोई भी मौत हुंदी है भावें उह कैंसर नाल होवे भावें दिल दा दौरा पैण नाल होवे किसे भी कारण होई मौत नूं करोना दा रूप ही दित्ता जांदा है। इस तों इलावा बीबी जगीर कौर ने की कुछ कहा आओ सुनदे हां। इस दे कोई शक नहीं कि जिहड़ियां मौतां ने जब बीमारी है उहदी मौत दर जिहड़ी वध गई पर जदों असीं देखिए तो जदों ये नहीं सी टेस्ट हो रहा जां जदों वैक्सीनेशन नहीं सी ला रहे जदों इन्होंने खोल दिता गया सी इहदा मतलब उदों वो खत्म हो गया सीगा करोना मौतां तो उदों भी होईयां लेकिन अज जिहड़ी मौत हुंदी है भावें कोई कैंसर ना हो जाए भावें कोई हार्ट अटैक ना हो जाए भावें कोई शुगर ना हो जाए भावें ब्लड प्रैशर ना हो जाए किसी भी कारण जो कोई मौत हुंदी है तो हर मौत नूं उहदा करोना दा रूप दिता जांदा। मैं सहमत इस गल दे उत्ते कि बीमारी जिहड़ी है वह जो आउंदी है खतरनाक है लेकिन सुचेत करना सरकार दा फर्क है फर्ज है साडा भी सुचेत रहना फर्ज है असी भी एहतियात च रहना साडा सारिआं दा फर्ज बनदा है क्योंकि जे बीमारी एक परिवार दे विच किसी नूं आई है तो दूजे परिवार विचों ना फैले ये बिल्कुल सही है लेकिन इन्ना जो पैनिक कर दिंदी है सरकार तो मैनूं इदां लगदा कि पैनिक हो के ही बीमारी वध जांदी क्योंकि जिहड़ी नैगेटिविटी है नैगेटिविटी बंदे दी विल पावर जिहड़ी है उहनूं घटा दिंदी है जदों विल पावर घट गई विल पावर घटन दे नाल उस बंदे दे विच ऑटोमैटिकली इम्यूनिटी जिहड़ी है वह डाउन हो जाती। सो मैं समझदी हाँ कि सानू पॉजिटिव सोचना चाहिए पॉजिटिव रहना चाहिए इन्नी दहशत नहीं पानी चाहिए लोगों को सुचेत जरूर करना चाहिए भी संजम च रहो सुचेत च रहो एहतियात रखो वो तो मैं भी मुलाजमान भी हर वेले कहनी हाँ एहतियात रख के रहो मुलाजमान सारियां अधिकारियों के सारे मास्क पा के रखो बार बार हाथ धोवो सैनिटाइजर की वरतों करो जां कोई किसी फतेह बुलाओ हाथ ना मिलाओ ये चीज़ा तो साडा फर्ज है लेकिन मेरा ख्याल है कि अज जिहड़े कारोबार पहला भी एक साल हो गया लोगों का कोई कारोबार नहीं चलिया पिछले समय से भी आप सारे ने रल मिल के लोगों की मदद करती हूँ किन्नी क दुनिया जिहड़ी है मुड़ मुड़ के मदद कर सकती है किन्ना कोई लोग पहले असी भी महीने की गल है 15 दिन की गल है महीने की गल है 2 महीने की गल है लेकिन हूँ जो बार बार ये पता लगे कि साल पूरा ही बंद हो गया हूँ फिर अगों जो शुरू हो गया हुण जिहड़ा एक पूरा लगातार सालां बद्दी जे ये काम हो जाणगे है तो औखा बड़ा रुजगार खत्म हो गए है रोटी लोकी आतर हो गए है और आमदन जिहड़ी जदों खत्म हो जाएगी लोगों का जीवन दुर्लभ हो जाएगा। सो मैं तो अरदास ही कर सकदी हाँ सच्चे पातशाह चरणां विच ते सरकार नूं बेनती करदी हाँ कि इहनूं सुचेत करो पैनिक ना बनाओ लोग डर जाणगे जिहड़ा तुसीं रातों रात कल कहा इन्हां ने कि अज 8 बजे तो ही सारा लॉक जिहड़ा बंद हो गया नाइट करफ्यू लग गया एकदम जिहड़ा कोई दूर गया होगा फटाफट गड्डियां भजा भजा के आया होगा कोई एक्सीडेंट हो सकता कोई चिंता लग सकती है। सो ये चीज़ा जिहड़ियां ये सानू दहशत पाउंदियां दहशत नहीं पाउणी चाहिए आराम दे नाल एक एक स्टैप करके दसना चाहिए एकदम सारे जदों हुक्म सुना देंदे है भी ये सारे कारोबार बंद यह भी बंद यह भी बंद फिर कारोबारां वाले जिहड़े आ उन्हां परेशानी देखो यही तो तकलीफ भी इन्हां गल्लां दी हुंदी है भी जिहड़ी चीज़ तो बिना सर सकदा वह बंद करदे है क्योंकि उस सरकार की उतों आमदन आनी है तो खास करके जेडे इन्हे दूजे होंगे है मंत्री वगैरह वो 2 नंबर की शराब भी लैके उ बेचते हैं। सो जड़िया चीज़ा का लोगों नुकसान हों आप देखिए जरा लोगों का कोई फायदा हों उस चीज़ में आप ही बंद करना चाहिए
ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੋ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਕਸਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।